देखो सर, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपने किया एज्यूमिंग मेथड से, अब मैं इसको कह रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड में करना क्या होता है, करना ये होता है कि एफ इंटू डी नहीं करना है, तो इस वाले कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी, एफ इंटू डी वाले। पहले हम इसको स्टेप डेविएशन से ले रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से लेंगे, और एक बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करिए। तो हमें एफ इंटू डी नहीं चाहिए। जब आपने डी निकाल लिया तो अब आप क्या कर सकते हो, इसी कॉलम में भी कर सकते हो अलग भी, डी को क्लास साइज से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे क्लास साइज कितने का है जी, क्लास साइज कितने का है यहाँ? 10। तो 10 से डिवाइड कर दिए, उसको कहते हैं एच हाइट, और ये जो डिवाइड करने के बाद आएगा ये होगा यू। तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो ये और इजी कैलकुलेशन आ जाएगी, और हमेशा ये वाले जो नंबर्स आएंगे ये 1, 2, 3 ही आएंगे, और आपको पता है 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो अब आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अब आप एफ इंटू यू करेंगे। तो बस यही तीनों मेथड हैं आपके यहाँ, और एग्जाम में या तो ये कहेगा कि भाई क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करिए या एज्यूम मेथड से करिए स्टेप, या तो कहेगा या बस आपसे कहेगा मीन निकालो। तो अगर आपसे मीन निकालने का तो फिर आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना। अब हमारे पास यू आ गया और एफ आ गया, तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें एफ को यू से मल्टीप्लाई करना, बीच वाले कॉलम्स नहीं देखने हैं। तो 3, 2 जा 6, देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई, और 10 1 जा 10, और ये हो गया 0, और 8 1 जा 8, और 3, 2 जा 6, तो इनको ऐड कर दीजिए, तो ये होगा सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू होगा, तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा था 6 और 6 0, और 8 और 10 -2। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो गया, अब हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, बार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। रिवर्स करना है, जिससे आपने डिवाइड किया था उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिसे आपने माइनस किया था उसे आप प्लस कर दीजिए। तो ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सिग्मा एफ यू आपका आया है -2, सिग्मा एफ आया है 35, क्लास साइज जो है आपका वही 75 से 85 10, और ए हमारा अभी भी वही 70। सब बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, जो आपने डी लिया था उसको और इजी कर दीजिए, और इजी क्या करना है, जो क्लास साइज है उससे डिवाइड कर दीजिए बस, तो वो 1, 2, 3 आ जाएगा। तो एफ इंटू यू कर लीजिए, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, जिससे आपने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई, और जो आपने माइनस किया उसे प्लस। तो देखो बात तो अभी भी वही है, बात अभी भी क्या है, 5, 2 जा 10, 5, 7 जा 35, तो आपके पास आ गया -4/7। आप 7 से फिर डिवाइड करोगे, पॉइंट आ जाएगा 7, 5 जा 35, फिर 5 आएगा 7, 7 जा, तो 70 -0.57, तो इसका मतलब फिर वही है 69.33 समथिंग। तो क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये हो जाता है, सिर्फ ये हो जाता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो ये तीन मेथड हैं, तो आज आपको यही करना है कि जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको तीनों मेथड से एक बार सॉल्व कर लो, और फिर इंशाल्लाह शाम में या कल फिर एक और क्लास लेंगे, तो कम से कम आपका मीन बहुत अच्छे से हो जाएगा।